हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वाद की रसोई में। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ नारियल की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसलिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक नारियल ली है, दो हरी मिर्च ली है, दो चम्मच मैंने राई ली है, 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया है, आधी कटोरी मैंने भुने हुए चने लिए हैं और आधी कटोरी दही ली है। इस नारियल का छिलका उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने नारियल का छिलका उतार लिया और इनको छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इस नारियल को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे, चने डाल देंगे, दही डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, तो सर नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार लें। ऐसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी नारियल की चटनी पीस चुकी है। पीसते समय मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था। अब इसके लिए हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दी। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मस्टर्ड सीड डाल देंगे। अब इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये तड़का इसमें नारियल की चटनी में डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे इडली और डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट जैसी बनी है बिल्कुल। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास में नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।